इधर देखो नाम बताओ। अच्छा ये बताओ कौन से संगठन से जुड़े हो, ये बताओ। ये कुछ नहीं है। तुम क्या कर रहे थे होटल में लड़की के साथ, मुसलमान लड़की के साथ? ऐसे फ्रेंड है, कुछ नहीं कर रहा है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हिंदू लड़कों के साथ घूमने वाली मुस्लिम लड़कियों के पकड़े जाने की खबरें काफ़ी सामने आ रही हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है बरेली से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुस्लिम युवकों को जानकारी मिली कि एक हिंदू लड़की के साथ में एक मुस्लिम लड़की एक होटल के कमरे में है, जिसके बाद वहाँ पर ये तमाम मुस्लिम युवक पहुँच गए और दोनों को होटल के कमरे में इन मुस्लिम लड़कों ने पाया। और दोनों से जब पूछताछ की जाने लगी तो लड़के ने अपना नाम आशीष बताया, जो रेलवे का कर्मचारी है। वहीं 24 साल की मुस्लिम लड़की शाहजहांपुर की रहने वाली है और दोनों का अफेयर चल रहा था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि जब मुस्लिम युवक इन दोनों से पूछताछ कर रहे थे, उस दौरान लड़की काफ़ी डरी सहमी हुई थी और बार बार वीडियो बनाने से मना कर रही थी। वहीं लड़का जो है वो कह रहा है कि हम दोनों दोस्त हैं, मगर इन दोनों का बताया जा रहा है कि अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच में अफेयर की बात सामने आई है और लड़के को इन मुस्लिम युवकों ने बहरहाल छोड़ दिया है। लेकिन जो लड़की थी उसके माता पिता को बुलाकर और लड़की को माता पिता के हवाले कर दिया गया है। होटल के कमरे में पकड़े गए मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की की ये वीडियो सामने आई है। किस तरह से ये मुस्लिम युवक जो हैं इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं, आप भी देखिए ये वीडियो। नाम बताओ। हाँ कैमरा नहीं बना रहे, इधर देखो यार, वो बता रहे हैं आप होगा बता रहे थे। अमीर रहते बताइए कहाँ रहता है? शाहजहांपुर रहता है। यहाँ क्या कर रहे तू? अरे मैं आया था बस, ऐसे घूमने आया था। घूमने यहाँ पे घूमने की जगह? अरे नहीं, इधर को आ निकल के बाहर को आ, तू बाहर को आ, देख मुझे हाथ लगाने मजबूर मत कर। देखिए बदतमीजी कोई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बस आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बात करी जा रही है। तबीयत खराब हो रही है। क्या करते हो? हम अभी जॉब कर रहे हैं। कहाँ जॉब करते हो? सर रेलवे में। सॉरी रेलवे गवर्नमेंट जॉब है? हाँ। या संपदा पे हो? कहाँ पर, कहाँ पे पोस्टिंग तुम्हारी? शाहजहांपुर में। आई कार्ड निकालो, दिखाओ आई कार्ड, दिखाओ आई कार्ड निकालो। कौन सा जॉब करते हो? आधार कार्ड, कुछ प्रूफ दो। जॉब कार्ड होता है ना, जॉब कार्ड, आई कार्ड होता है, वो कहाँ है आपका? निकालो आप आई कार्ड दिखाओ। और आपको बताओ, एक संगठन ने हमें पकड़ा जी, उसके बावजूद भी हमें रुसवा नहीं किया। हम एक विशेष समुदाय की लड़की लेकर आए थे, आप लेकर आए थे, आपको किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया आपके साथ? बुलंदाबाद से आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया आवाम ने, मुस्लिम आवाम ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया? नहीं किया ना। आइंदा आप किसी किसी ने कोई मार पिटाई की नहीं की? ठीक है, जॉब कार्ड दिखाओ अपना। जॉब कार्ड है आशीष कुमार राम, राम ठीक है। विशेष समुदाय की लड़की लेकर आया, तेरा ये लक्ष्य है, टारगेट बना रखा, क्या बना रखा तुम लोगों ने? बताओ क्या सर आपका ये टारगेट है मुस्लिम? नहीं सर भैया, 1% नहीं है, 1% भी नहीं है सर। आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग इज्जत करता हूँ इस चीज के लिए। जिस लड़की को आप लेकर आए उससे आपकी कहाँ मुलाकात हुई? सर हम लोग फ्रेंड हैं, ठीक है, पढ़ते थे। नहीं हम लोग काफी टाइम गए आप किसी होटल में लाकर प्राइवेट रूम में आकर 3-4 घंटे रुकते हैं, उससे फ्रेंड है? यार लड़की स्पेशल विशेष समुदाय की लड़की है और आप एक हिंदू हैं, ठीक है, फिर भी किसी ने आपके साथ कोई हाथापाई नहीं की, आपको सिर्फ समझाया जा रहा है जी। अब आप बताएं कि आप
आपके साथ कोई मारपीट हुई? नहीं भैया। किसी ने कुछ कहा? नहीं। सिर्फ समझाया ना? समझा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? यही चीज मैं बताता हूँ कि आप लोग सही है, ठीक है, मैं आप लोग की इज्जत करता हूँ। मैंने अभी कभी भी बहन बेटी को भी तो इज्जत करो या बिल्कुल देखिए अभी हम तुम्हारी बहन बेटी के साथ पकड़ा कैसा लगेगा? अरे आप सब हमारे भाई हो, ठीक है, अब ठीक है, हमारी बहन आपकी बहन हुई नहीं? बिल्कुल हुई। आप अपनी बहन के साथ ये काम कर सकते हैं जो प्राइवेट रूम? नहीं बिल्कुल, हमारी गलती बहन के साथ भैया, ये मेरी गलती, हम अपनी गलती मान रहे हैं। और तुम्हारे फोन में, तुम्हारे फोन में अन्य लड़कियों के भी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं, तुम्हारे साथ मिले? मैंने भी बताया, फोटो और वीडियो है भैया, मैंने भी बताया ना उस चीज के बारे में, मैंने भी बताया ना अभी उस चीज के बारे में। देखिए मेरी जो गलती है मैं अपनी गलती मान रहा हूं। फ्रॉड होता तो सिर्फ आप उसको देखते ही हो क्या रहा है, आप भी उसको एंजॉय कर रहे हैं और इधर से रिप्लाई में भी आप गंदी हरकतें कर रहे हैं उसके साथ। अगर नहीं भैया अब तक वो वीडियो आपने आपके फोन से डिलीट कर दी होती। भैया सुनिए, जो अभी आप वीडियो देखे हैं ठीक है, वो हमारे साथ हुआ है गलत। ये बता रहा हूँ मैं, उनकी सिस्टर है, मतलब ये भी उनकी सिस्टर है, ये भी कोई लड़की हुई पक्का, ठीक है। तो फेसबुक में सब नंबर नंबर था मेरे पास पहले से, मैंने देखा तो उसमें फेसबुक वगैरह नहीं होते ना, फेसबुक वगैरह देखा था तो उसको मैंने देखा तो व्हाट्सएप पे डाला था, ठीक है। तो व्हाट्सएप के थ्रू जो स्पोर्ट वगैरह का होता है तो उन्होंने ये फोटोज वगैरह मुझे भेजी थी सभी। भाई तो ये आपकी सिस्टर है, दिखाना कौन सी? ये सिस्टर नहीं, बता ये मतलब ये नहीं है, ठीक है, सिस्टर है, आज सिस्टर है। ये नहीं है, सारी कॉल गर्ल में कोई लड़कियां हैं। सुनिए भैया कॉल गर्ल के बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टर बता रहा है वो, कॉल गर्ल नहीं है। अरे नहीं भैया, मैं भी यही समझ रहा था। नहीं सही बता रहा है, सही कह रहे हैं, कॉल गर्ल सिस्टर भी नहीं, सिस्टर नहीं भैया, क्या कैसा आदमी है? बता दूं आपको, अपने बहने बेटे आपसे क्या? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ कौन से संगठन से जुड़े हो, ये बताओ। या कुछ नहीं है, अरे कैसी बात से, अभी एक मिनट रुको जी, ये कोई सा है, एक सांस कुछ नहीं है भैया, बताया मैंने सब। क्या कर रहा है तो होटल में लड़की के साथ, मुसलमान लड़की के साथ? भैया देखिए सिर्फ फ्रेंड है, कुछ नहीं कर रहा है। फ्रेंड से होटल में लेके आओ, घर जाओ उसके फ्रेंड हो तो सकते हैं। वह सही है, मैंने वह सही है, पब्लिक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं भाई साहब, इंडियन स्पोर्ट सर्विस, आशीष कुमार, ठीक है। इसका इनका फोटो भी ले लेना, सब ले लिया।